बज गया है, यानी कि गुड आफ्टरनून हो रहा है इस टाइम पे, और नहा धो के बैठे हैं हम दोनों। और मैं जा रही थी कुछ, क्या लेने जा रही, खुशी कह रही कि चलो मौसी घूम के आते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा लाना है सामान, तो मैंने सोचा चलिए सामान लेके आती हूँ। तो बस मैं रेडी बैठी हूँ, और बाहर मेरे इस टाइम पे उथल फुथल सारा पड़ा हुआ है ऐसा ही, क्योंकि सोनी का थोड़ा सा समर रह गया था तो वो जा रहा है, तो सारे इस टाइम पे बाहर है, हम दोनों ही अंदर बैठे हुए थे। क्या देख रही हूँ, और ये देख रही थी सावित्री कुमारी ऑफिशियल, जो उनका चैनल है ना, तो उसका वीडियो ये देख रही है। आजकल उनके काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका चैनल चल रहा है इस टाइम पे, शायद उनका चैनल नंबर वन पे चल रहा होगा इस टाइम पे, काफ़ी अच्छा चैनल चल रहा है। और मेरी मशीन ने दे दी आवाज़, क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी थी कपड़े धोने के लिए, तो थोड़े से रह रहे हैं, तो मैं पहले वो कपड़े निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, और अयान को मैं जाऊँगी घर छोड़ के, क्योंकि अयान को मैं साथ लेके नहीं जाऊँगी, अयान के डैड घर पे हैं तो उसको मैं छोड़ के जाऊँगी। और आजकल इंसान इतने बिजी हो गया, अगर पास में भी कोई बैठा है ना तो इंसान को दिखता नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या हर इंसान की यही है, क्योंकि इतने बिजी हैं इंसान ना, फ़ोन में ही लगा रहता है, उसको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, जो पास में भी बैठा होता है ना वो भी नहीं दिखता है बिल्कुल भी। तो ये हो गया आजकल की लाइफ ना, ऐसे भाग रही है प्लेन की तरह। क्या कर रही है मौसा देख के ना। हाँ, और देखो मुझे अब याद आ गया, मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, इनकी है जैकेट, अंकल आ गए। अच्छा, तो एक तो इनकी ये है वाइट कलर की, जो कि ये लिपस्टिक भी लग गई इसमें जो कि ये है वाइट कलर की, तो ये गंदी ज़्यादा होती है, तो ये पहनते हैं ना एक घंटे से ज़्यादा इसको पहन नहीं पाते, तो मैं सोच रही इस पर मैं कलर करवा के लाऊँगी, तो मैं देखूँगी इस पर या तो ब्लू कलर करवाऊँगी या करवाऊँगी मैं ब्लैक, दो में से कोई एक कलर करवा के लाऊँगी, तो ये सबसे ज़रूरी काम है, और मैं खुशी को लेके जाऊँगी, और तो मुझे जो लाना होगा मैं ले आऊँगी जाके आराम से, क्योंकि इनके साथ जाती हूँ ना तो मैं कुछ सामान ले नहीं पाती हूँ, बाहर से काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है, तो चलिए थोड़ा सा काम रह रहा वो मैं निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ। किस में लेके जा रही हूँ, आधा सामान तो यहाँ पे पड़ा है और आधा देखिए अभी जा रहा है। कपड़े हैं मशीन में तो ये सूख गए हैं, रखा रहने दो ना। रख लिए कपड़े, रख लिए, दीदी जा रही है अपने घर। अयान को टेंशन हो गई है, कह रहा है दीदी कहाँ जा रही है, दीदी जा रही है अपने घर, क्योंकि दीदी को कल स्कूल जाना है ना, कल मंडे है, खुशी की कल छुट्टी थी सैटरडे की, इसलिए खुशी आ गई थी घूमने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से ये आई नहीं थी। और दूसरा क्या था, अयान की भाई दोस्त थी तो वो भी देने आई थी, क्योंकि अयान भाई दोज पे तो गांव था तो याद था नहीं, तो इसीलिए खुशी आई हुई थी, मार्केट करके वापस आ गए, और खुशी जा रही है अपने घर, और अयान मेरे का देखिए सोच में पड़ गया है, क्योंकि खुशी आ गई जब से मेरा अयान खेलने में ना मस्त था बिल्कुल, और क्योंकि खुशी इस टाइम पे अकेली है जहाँ पढ़ रही है वहाँ पे, तो मैंने खुशी का खाना कर दिया है पैक, और बाकी मैंने इधर रख दिया सरसों का साग बनने के लिए, तो अभी इसमें सीटी लग रही है तो ये मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में, बस ये उबल जाए उसके बाद में तड़का बाद में लगाऊंगी, तो पहले तो खुशी को मैं छोड़ती हूँ गेट तक, और अयान की इतनी सारी दवाइयाँ देखी, क्योंकि अयान को खांसी जुकाम हो रहा था तो कल रात में मैंने दवाइयाँ मंगाई थी उसकी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, ये चीज़ मैं लेके आई थी अपने अयान के लिए, जबकि मेरा अयान था 2 मंथ का था, मंथ का था जब मैं ये लेके आई थी, मच्छरदाने जो होती है ना बच्चों वाली, और ये
अभी तक मेरी खांसी सही नहीं हुई है। तो जब मैं लेके आई थी तो ना तो ये मैंने यूज की, क्योंकि मेरा यान कभी लेटा ही नहीं, उसके बाद मैंने ये सोनी को दे दी थी, तो सोनी ने भी कभी यूज नहीं करी। तो आज सोनी का जो सामान लिया था ना तो उसी में रखी हुई थी, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो मैंने सोचा किसी को मैं दे दूंगी तो उनके काम आ जाएगी, क्योंकि मैंने सोनी ने किसी ने यूज नहीं करी है और नई की नई रखी हुई है ये, तो वही ऊपर रखी थी। मैं जा रही हूँ इसको ना अंदर बेड में डाल दूंगी, नहीं तो पता लगे चूहा ही काट दें, क्योंकि मेरे घर में इस टाइम पे चूहों का भंडार भरा हुआ है। तो फिलहाल तो मैंने यही निकाल के रखी हुई थी। मेरा वेट कर रहा था कब जूते पहने कब मैं पैर छू छू लिए। चलो अब दीदी को छोड़ के आओ। अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है, आप खोल लोगे। कितना शौक है इनको देखो, रख लिया। आ जाओ आनू अंदर आ जाओ, आप आ जाओ अंदर जाओ, तुम जाओ वो देखेगा तुम्हें। आ जाओ आनू, देखते रहोगे। अब आयान देखता रहेगा जब तक खुशी दिखेगी ना सामने, जब तक देखता रहेगा। मैं तो भूल ही गई, खुशी का खाना पैक कर दिया, खाना यही रह गया। तो तूने रखा ही नहीं, मैंने तो ये बोला था ना, मैंने तूने अपना सारा सामान रख लिया, इसमें रख लो। ऐसे पहले की नहीं सूखी है सब्जी, हटो। और ये देखिए सामान लेके आई थी बाजार से, सारी पन्नियां ऐसी की ऐसी रखी हुई हैं, अभी तक मैंने सामान रखा नहीं है उठा के। साग रखा हुआ था मैंने उबलने के लिए, तो देखिए ये उबल गया है। तो बस जा रही हूँ मैं, इसमें लगाती हूँ तड़का, और लहसुन वाला मस्त तड़का लगता है सरसों के साग में, जो लहसुन का जो स्वाद आता है ना, और मैंने इसमें करीब आधा कटोरी लहसुन डाला है, क्योंकि लहसुन का ही ज़्यादा स्वाद होता है सरसों के साग में। तो मैंने इसमें हींग और लहसुन हरी मिर्च का तड़का लगाया है। और क्या हुआ, मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि अभी खुशी गई थी तो उस टाइम पे मैंने सब्जी और पराठा बनाया था उसके लिए। तो आलू गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने, तो उसने बोला मौसी मैं साग खाऊंगी नहीं, तो मैंने उसके लिए अलग से खाना बना के और पैक कर दिया था उसको। और मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ वो फ़ोन मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो देखिए जो वीडियो है ना इसमें ऐसा लग रहा है कि लाइट कम ज़्यादा हो रही है, तो ये चीज़ ना मेरे साथ होती रहती है। तो बस मैं बना लेती हूँ रोटी, और ये सीजन का जो रेसिपी है वो पहली रेसिपी है, क्योंकि सरसों का साग सर्दियों में ही शुरू होता है, तो आज मैंने पहली बार बनाया है, अब तो खैर सर्दियों में बनता ही रहेगा। और इसके साथ मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। और मालूम क्या हुआ था, जब मैं दिवाली पे घर गई थी तो उस टाइम पे मम्मी ने बोला था कि मक्के का आटा ले जाओ, क्योंकि वहाँ तो घर का था, तो उस टाइम पे मैं लेके नहीं आई थी। लेकिन हाँ, हो सकता है मेरा 15 या 20 दिन में फिर दोबारा से चक्कर लगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो फिलहाल तो मैंने यहीं से मंगा लिया था थोड़ा सा। और क्या होता है, ये मक्के का आटा होता है ना, ये ज़्यादा दिन का रखा ना तो ख़राब हो जाता है, ये ज़्यादा ज़्यादा 10 या 15 दिन चलता है, इससे ज़्यादा ये चलता नहीं है। और इधर देखिए मैं लगा रही हूँ प्लेट, खाना हो गया है रेडी। और सरसों का साग हो, इसमें जितना देसी घी पड़े ना उतना ये टेस्टी लगता है। तो ये देखिए इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी देसी घी, बाकी लगाऊंगी रोटी में। तो प्लेटिंग हो गई है मेरी रेडी, और चलिए अब खाते हैं खाना। और आज का जो मेरा वीडियो है वो भी करूंगी मैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आनू मम्मा ड्रीम, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करो ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आया करे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।